हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग। पिछले क्लास में बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। लसा और मसा किस तरह से ज्ञात किया जाता है, और ये भी बताए थे कि हम भारतीय भवन के गणित से आप लोगों को भारतीय भवन के भारतीय भवन के गणित से मैथ से, ठीक ना। मैथ से हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पढ़ा रहे थे तो बोले हुए थे कि उसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये भी बोले थे कि अगर आप टीच मिंट पे ज्वाइन कर लेते हैं, अगर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे करिएगा तो टीच मिंट ऐप पे, टीच मिंट पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। रिकॉर्डिंग वीडियो टीच मिंट पे देख सकते हैं। पहले आप लोग ज्वाइन होइए, रिकॉर्डिंग वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब रहने का मन हो क्लास में तो रहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा कैसे ज्ञात किया जाता है, और ये भी बताया था कि इस वाले बुक से, भारतीय भवन वाले बुक से बना भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो भारतीय भवन के कुछ बुक में एक क्वेश्चन है, विविध क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है विविध, मतलब ये सब एग्जाम में 9 के बराबर पूछा जाता है। कभी कभी पूछ भी जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, 9 के बराबर पूछा जाता है, विविध क्वेश्चन है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जांचे कि क्या 6 to the power n, 6 के पावर n, 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। मतलब आपको बताना है कि अगर 6 के पावर n, यानी n कोई प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या के बारे में हम क्या बताए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 के पावर 1 रखे, 6 के पावर 2 रखे, 6 के पावर 3 रखे, तो ऐसा कोई प्राकृत संख्या मिलेगा कि वह जिसके लास्ट में शून्य आ सके। तो वही जांचना है कि क्या सच में ऐसा कोई 6 के पावर 1 करने पे, चाहे 2 करने पे या 3 करने पे, कुछ ऐसा चीज आएगा जिसके लास्ट में शून्य आ सके, क्या शून्य आ सके। तो एक बात ध्यान रखिएगा, शून्य किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य कब आएगा, एक बात बताइएगा हमको, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 कब आएगा। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, 50 है, इस तरह से कुछ करके जो संख्या सब होता है, तो कब आता है, कब आता है शून्य। जब देखिए, जैसे 10 है, तो 10 2 गुने 5 की है तब ना 10 हुआ है, क्या 2 गुने 5 की है तब ना 10 हुआ है। उसी तरह 2 गुने 2 गुने 5 करेंगे, यानी 2 दूनी 4 5 20, 20 यानी सब में 5 है, यानी सारा संख्या क्या है, 5 से कटना चाहिए। तो 6 6 को देखिए, तो 2 गुने 3, इसमें 5 कभी भी आएगा, कितनों पावर कर दीजिएगा, 6 गुने 6 करिएगा, मान लीजिए 6 के पावर 2 कर दिए, 6 के पावर 1 था तो क्या हुआ, 2 गुने 3 आया, 6 के पावर 2 कर दिए तो 6 गुने 6 यानी 2 गुने 3 और 2 गुने 3, कभी भी 5 आएगा, कभी भी 5 इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप कि नहीं, मतलब ऐसा कोई भी 6 के पावर n के अंत में कभी भी शून्य नहीं आ सकता, कभी भी शून्य आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 5 कभी आएगा ही नहीं, यानी जब इसका गुणनखंड करिएगा आप लोग तो उसका 5 कभी आएगा ही नहीं। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, तो इसको बनाते हैं, जांचने के लिए बोल रहा है, मतलब एक बार फिर, मतलब कहने का मतलब 6 के पावर n बोल रहा है ना, तो हम लोग 6 के पावर 1 रखे या 6 के पावर 2 रखे या 6 के पावर 3 रखे, तो मतलब 6 के पावर 2 करते हैं आप, 6 6 गुने 6 36 आया, 36 में 0 है, नहीं है। उसी तरह 6 गुने 6 गुने 6 करिएगा तो 216 आता है, 4 6 36 6 216 आता है, इसके लास्ट में 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो वही बात है कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड का निकाले सिखाए हुए थे हम लोग, तो क्या सिखाए थे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 आएगा इस तरह से, तो 2 3 6 6 2 12 3 36 हुआ, हुआ इसमें 5 आया कभी भी। तो मतलब ऐसा संख्या जिसके जिसका गुणनखंड में 2 और 5 होना एकदम अति आवश्यक है,
3 और 5 रहेगा तो नहीं, 3 और 5 रहेगा तो 15 हो जाता है ना, 3 और 5 नहीं रहना चाहिए, 2 और 5 रहना ही चाहिए, 2 और 5 रहना ही चाहिए। शून्य शून्य किसी भी संख्या में शून्य कब आएगा, जब 2 और 5 5 रहेगा तभी आएगा, यानी जो जो संख्या 2 मतलब जो संख्या 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए वैसा संख्या के ही लास्ट में 0 आता है। जैसे 10 है तो 10 2 और 5 से कट जाएगा, 20 है 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो क्या हो गया। यानी इसमें क्या है कि जब तक 2 और 5 किसी अभाज्य गुणनखंड में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा शून्य, ठीक है। तो चलिए अब इसको जांचते हैं, हम लोग किस तरह से इसका जांच किया जाता है, टेस्ट किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए आंसर इसका देखते हैं। हम देखते हैं कि 6 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 पावर 6, 6 को एक बार गुना करिएगा तो 6 ना होगा, और बराबर इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो अभाज्य गुणनखंड करके क्या सिखाए थे, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 होगा ना, 2 गुने 3 हो जाएगा। अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 6 के पावर स्क्वायर करिएगा तो 6 गुने 6, अब ये नहीं करेगा कि 36 को तोड़ने चलेगा, 2 18 2 9 इस तरह से करके नहीं करिएगा, 3 तिया 9 इस तरह से नहीं करना है। 6 गुने 6 यानी 6 था तो 2 गुने 3 लिखे, अब 2 गो 6 है तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, इसी तरह 6 गुने 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 2 गुने 3 और 2 गुने 3 हो गया। इसी तरह और आगे चलते चलता है, ठीक ना, इसी तरह चलते रहेगा। तो ऐसा है कि कभी भी क्या होगा, कभी भी आपका मतलब इस तरह से चलते रहेगा, आपका चलते जाएगा, 6 के पावर 4 करिएगा, 6 के पावर 5 करिएगा तो इस तरह से चलते जाएगा, लेकिन कभी भी 2 और 5 आएगा ही नहीं। अभी भी बताया है कि 2 और 5 क्यों नहीं आएगा, देख रहे हैं कभी भी 2 और 5 आएगा, यानी यही कहने का मतलब यह है कि 6 के पावर कितना भी कर दीजिएगा ना तो उसका जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में शून्य कभी भी नहीं आएगा, उसके लास्ट में शून्य कभी नहीं, जैसे 6 का क्यूब 216 होता है, उसके लास्ट में शून्य नहीं आया, नहीं ना आया, वही बात। तो चलिए यही चीज है, वही बताना है, तो इतना चीज लिखने के बाद क्या करिएगा आप लोग, लिख दीजिएगा कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के पावर n के गुणनखंड में, 6 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 और 3 है, 2 और 3 है, लेकिन हम लोग अति पिछले क्लास में पढ़े थे ना अंकगणित का मूलभूत पढ़ में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसम से ज्ञात करना, तो उसमें उसके अनुसार इसका कोई दूसरा विधि होगा गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दूसरा कोई विधि होगा, नहीं ना होगा, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, सिर्फ अभाज्य संख्या ही होता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, अभाज्य संख्या, तो 6 के पावर n का गुणनखंड निकालने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है, नहीं है, तो लिख भी दीजिएगा आप लोग। फिर अंक गणित के आधारभूत सॉरी आधारभूत अंक गणित के, हाँ वही है, आधारभूत पर में बोलिए चाहे मूलभूत पर में वो भी हो सकता है, अंक गणित के आधारभूत पर में से 6 के पावर n का कोई दूसरा
अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड संभव नहीं है। ये सब लैंग्वेज है, लैंग्वेज देखना पड़ेगा आप लोगों को। संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो कब संभव होगा? कब संभव होगा? जब जीरो आ सकता है। कब संभव होगा? जीरो आएगा तो जब 2 और 5 अभाज्य संख्या होगा तभी होगा। तो उसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, तब तो आगे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, भाई है। अब आगे लिखिएगा यहाँ पे 6 के पावर n के अंत में 0 यानी शून्य होगा यदि अभाज्य, यदि 2 के अलावा, यदि 6 में तो 2 तो रहवे करेगा ना, 6 के अभाज्य गुणनखंड में तो 2 आएगा ही, लेकिन यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 भी हो, 5 से भी विभाज्य हो। 2 के अलावा क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो, 5 से भी विभाज्य हो, 5 से भी विभाज्य हो। इसका कहने का मतलब ये हो गया, विभाज्य हो अर्थात, अर्थात सिक्स के पावर एन के अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं आप लोग, गुणनखंड में 5 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। सब समझाने के लिए लिख रहे हैं आप लोगों को, जरूरत नहीं है कि लिखवे करिएगा। अब सीधे इतना ही भी लिख सकते हैं कि 6 के बाद n गुणनखंड अभाज्य संख्या 2 और 3 है, 3 है, और उसका बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा कि 6 के n के अंत में 0 तब होगा जब 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 होगा, तभी होगा। लेकिन लेकिन ये भी लिख दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगी कि संख्या 6 के पावर n के अंत में 0 हो। मतलब कोई भी एन, ऐसा कोई भी एन नहीं मिलेगा। एन क्या है यहाँ पे? प्राकृत संख्या है। तो ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा जिसका पावर करने के बाद क्या होगा? 0 आपको अंत में मिले, ऐसा कोई नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए, रहना चाहिए। किंतु अब यहाँ पर लिख भी दिया, किंतु किंतु लिखे चाहे लेकिन लिखिए, लेकिन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल बात है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है। अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे, अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या, अतः कोई ऐसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एन नहीं मिलेगी, एन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी कि 6 के पावर n के अंत में 0 हो, अंत में 0 हो, 0 हो। चलिए तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा तो ज्यादा समझ में आए। बताते हैं का है, देखिए कि अगर हम लोग 6 के पावर 4 करते हैं, चलिए ठीक है, मान लीजिए 6 के पावर 4 करते हैं, 6 × 6 × 6 करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? इसका गुणनखंड जानते हैं, 2 × 3 2 × 3 2 × 3 × 2 × 3 आया 5, इसमें आया 5, कहीं पे 5 आया, नहीं ना आया, तो कभी भी 6 के पावर कितनों रख दीजिएगा ना,
तो उसके लास्ट में शून्य कभी ऐबे नहीं करेगा। तो ऐसा ही करके आपको कुछ भी बोल सकता है कि 7 के पावर n के अंत में कोई ऐसा संख्या है। 7 तो ऐसे खुद आभास संख्या है, तो उसमें तो खैर आना ही नहीं, संभव ही नहीं। उसमें 2 और 5 तक आया, 2 भी नहीं आएगा। 7 में तो 2 भी नहीं आएगा, ठीक है, 5 तो दूर की बात है। उसी तरह 8 बोल देगा, तो 8 भी ऐसा संख्या है जिसमें आपको 5 ऐबे नहीं करेगा, खाली 2 ही 2 2 2 2 करके आएगा। फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, तो 9 में भी तो 2 तक, 9 में भी नहीं आएगा। यानी 9 पे पहाड़ा 2, 9 में 2 से कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। इसलिए 9 के पावर कुछ भी रहे तभी भी आपका नहीं होगा। तो अब फिर कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पावर करने पे आपको शून्य आ सकता है? चलिए तो सोचिए। तो एक तो 10 के पावर हो गया, 10 के पावर 33 जीरो है, तो आएगा ही आएगा। और 2 दुनी 4 दुनी 8 नहीं, अगर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, अगर 2 के पावर n भी रहता तो क्या करते? अगर 2 के पावर 5 भी करते तो 2 गुने 2 गुने 2 होता, 5 इसमें आता कभी भी नहीं आता। यानी 2 के पावर n भी करिएगा ना, तो उसके लास्ट में शून्य नहीं आएगा। उसी तरह 4 के पावर n करिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 यानी 2 गुने 2, इसमें खाली 2 2 2 करके आएगा, 2 2 करके आएगा, तो इसमें भी 5 नहीं आया आ सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके लास्ट में भी शून्य नहीं आ सकता है, ठीक है। सिर्फ एगो 10 है, एक 20 है, एक 30 है, इसी के पावर कुछ करिएगा ना तो ये शून्य आ सकता है, बाकी और कोनो संख्या नहीं है। जैसे 15 के पावर n करते हैं, अगर मान लीजिए 15 के पावर n करते हैं तो क्या होगा? 15 के आभास संख्या से इसको करिएगा तो क्या होगा? 3 5 3 और 5 के में टूटेगा, इसमें 2 है नहीं, जिसके कारण इसमें शून्य आएगा नहीं। बस यही बात बताना था आपको कि कैसे समझिएगा कि मतलब ये है कि नहीं। आ रहा बात समझ में? चलिए बहुत अच्छा। तो जब तक आपको आभाज गुणनखंड करने पे 2 और 5 नहीं आएगा, तब तक उस संख्या के लास्ट में शून्य आ ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे आगे का भी क्वेश्चन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आप बना भी सकते हैं लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं आपको। यही है कि 4 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है कि नहीं, 15 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। चलो ये दो क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको, चाहे बना लीजिएगा आप लोग। देखिए 4 के पावर n करिएगा तो क्या होगा? मतलब उसी तरह आप क्या करिएगा, लैंग्वेज देख लीजिएगा, लैंग्वेज जो लिखवा दिए हैं उसको देख लीजिएगा, और उसी तरह क्या करेगा, पहले 4 के पावर n करके देखिएगा तो क्या होगा? 4 यानी 2 गुने 2, इसमें 5 कभी आएगा? नहीं आएगा। 4 के पावर 1 की है, तो अब 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 गुने 4, इसका भी क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, और 2 गुने 2, 2 2 2। फिर उसका तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 4 गुने 4 गुने 4 होगा, मतलब क्या हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से आएगा। फिर इसका लिख दीजिएगा कि 4 के पावर n के अंत में शून्य तभी होगा जब 2 और 5 के, मतलब लैंग्वेज देख लीजिएगा पीछे किस तरह से लैंग्वेज लिखवाए हुए हैं, उस तरह लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और देख के बता दीजिएगा आप लोग कि हाँ इसमें कोई ऐसा मतलब 5 आएगा ही नहीं आएगा। 4 के पावर n के अंत में मतलब शून्य कभी आ ही नहीं सकता है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका, इस तरह से करिएगा, गुना करते चल जाइएगा, लेकिन फिर भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है, शून्य नहीं आएगा। लिख दीजिएगा, लैंग्वेज लिखवा भी दिए कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 2 4 के पावर n के गुणनखंड में आभास संख्या 2 और 3, दो सिर्फ गुणनखंड आभास संख्या क्या है? 2 है 2 है। फिर उसके बाद क्या लिखेगा कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से 4 के पावर n का कोई दूसरा आभास गुणनखंड संभव नहीं है, यानी 4 में सिर्फ 2 ही आएगा, और जब तक कि 2 के अलावा 5 नहीं आएगा तब तक इसके लास्ट में शून्य नहीं आ सकता है, ठीक है। पीछे पूरा लैंग्वेज लिखवा दिया है, उसको देख के आप लोग नोट कर दीजिएगा, सिर्फ वही लैंग्वेज उतार देना है बस, और कुछ नहीं करना। उसी तरह आपका क्वेश्चन है 15 के पावर n, एक दूसरा क्वेश्चन है 15 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है कि नहीं,
के पावर एन के अंत में शून्य आ सकता है कि नहीं, लैंग्वेज देख लीजिएगा और उसको इस तरह से बनाइएगा। 15 पावर 1 कर दीजिएगा तो क्या होगा, 3 गुने 5 होगा, यानी 15 और 3 गुने 5 होगा। फिर 15 पावर 2 करिएगा तो क्या होगा, 15 गुने 15 होगा, यानी 3 गुने 5, 3 गुने 5 होगा। इस तरह से लिखते चल जाइएगा, लिख बता दीजिएगा कि इसमें 5 तो है लेकिन 2 है नहीं, क्या 5 तो है लेकिन 2 है नहीं, तो ये क्या होगा। इसके भी ऐसा कोई भी एन संख्या नहीं होगा, ऐसा कोई भी एन प्राकृत संख्या नहीं होगा जिसमें जिसके लास्ट में शून्य आ सके, ठीक है। तो सिर्फ कब आएगा, जब 10 के पावर हो, 10 के पावर n रहे, चाहे कुछ भी रहे, 10 के पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे, ठीक है। मतलब जो संख्या 2 और 5 दोनों से कटेगा ना, वही संख्या के लास्ट में सिर्फ शून्य आएगा, बाकी और कोई भी संख्या है ये नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। हाँ, 10 के पावर n रहता तब बता सकते थे क्या, 10 के पावर n तो पता चल रहा है कि 0 है, तो 100% लास्ट में शून्य ही आएगा। क्या 10 में अनंत से भी गुना करिएगा ना, 10 में कुछ भी संख्या से गुना करिएगा ना आप, तो लास्ट में शून्य आएगा ही आएगा, समझे। 20 में भी उसी तरह है, 20 सत्ते 140, यानी लास्ट में शून्य आया ही आया, बस वही बात बताना था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझदार देख लीजिएगा और बता दीजिएगा, ठीक है। आह